छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के पूर्व विद्यार्थियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलपति कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा, प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण, प्रदेश की उच्चतर शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, पूर्व विद्यार्थी एसोसिएशन के सचिव श्री सिद्धांशु राय और मेरे सामने बैठे हुए जिनके साथ मैंने वर्षों तक काम करने का मुझे अवसर मिला, पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र। इस सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, अपने पुराने घर, गांव और स्कूल कॉलेज में पहुंचकर तथा अपने मित्रों सहपाठियों से मिलकर कितनी खुशी होती है, इसकी झलक मुझे आप सब में देखने को मिली। मैं भी इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पूर्व विद्यार्थियों के सम्मेलन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे याद है कि वर्ष 2018 में जब यहाँ के राज्यपाल श्रीमान राम नायक जी थे तो उन्होंने चांसलर की हैसियत से मुझे इनवाइट किया था आगरा विश्वविद्यालय। तो मैंने उन समय उनसे निवेदन किया था कि राम नायक जी, एक मेरी मर्यादा है और मर्यादा ये है, जब मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तब ये मुझे मर्यादा की जानकारी मिली कि मैं लगभग 150 से अधिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस उनका मैं विजिटर हूं और विजिटर के नाते मैं प्रत्येक वर्ष उनकी कॉन्फ्रेंस करता हूं और उसमें जब मुझे सभी वाइस चांसलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि साहब मुझे आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इस मर्यादा को मत तोड़िएगा, आप किसी राज्य के विश्वविद्यालय में ना जाइएगा क्योंकि मेरा पहले सबसे पहले आप पर अधिकार है, और इसलिए उनकी एक मर्यादा के तहत उन्होंने बात कही थी। तो मैंने राम नायक जी को बात कही कि ये बात है, ये मर्यादा है, मैं कैसे तोड़ूं, ये मुझे समझ में नहीं आता, धर्म संकट में हूं। फिर उसका एक उपाय सूझा और उपाय ये सूझा कि भाई जिस विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूं तो वहां मैं राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं जाऊंगा, मैं छात्र की हैसियत से जाऊंगा। और आज यहां पर उस आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय भी आए हुए हैं जिनका मुझे सम्मान करने का अवसर मिला, श्री अरविंद दीक्षित जी, वो निमंत्रण देने आए थे, मैं आगरा गया, पिछले वर्ष की बात है। और इसी तरीके से नीलिमा गुप्ता जी भी जब मुझे मिली, यहाँ कानपुर में भी मिली, दिल्ली भी आकर मिली, तो फिर मैंने उनके सामने यही बात रखी, लेकिन मैंने कहा एक ही इसका तरीका है और वो तरीका ये है कि आप मुझे इस कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व स्टूडेंट के रूप में बुलाएंगी तो मैं जरूर इसमें आऊंगा। और मुझे अच्छा लगा कि एक उसका बाया मीडिया निकाला गया, क्योंकि उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिए थे कि सर या तो आप कन्वोकेशन में आ जाइए या फिर इसमें। तो मैंने कहा कन्वोकेशन में जाना शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन ये आपके जो पहला सम्मेलन आप कर रहे हैं एक्स स्टूडेंट्स का, उसमें मुझे आकर के खुशी होगी और इसलिए मैं आप सबके बीच में हूं। देवी और सज्जनों, 1966 में कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले यहाँ के कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित है। मुझे भी बीकॉम की डिग्री आगरा विश्वविद्यालय से ही प्राप्त हुई थी, लेकिन एलएलबी की डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। इस प्रकार एक ही नगर में स्थित
मैं डीएवी कॉलेज का छात्र रहा, उसके पहले बीएनएसडी कॉलेज का छात्र रहा, लेकिन डीएवी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते हुए मुझे दो विश्वविद्यालयों से स्नातक होने का अवसर प्राप्त हुआ, एक था आगरा और दूसरा था कानपुर विश्वविद्यालय। वर्ष 1997 में इस विश्वविद्यालय का नामकरण छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर किया गया। वे भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे और अपनी समतावादी सोच तथा शासन प्रशासन में समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाने जाते हैं। इन वर्गों के लोगों के लिए वे आशा की किरण लेकर आए। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य भी हमने देखा है, आरोह तमसो ज्योति भी यही संदेश देता है कि आइए अज्ञान के अंधकार से शिक्षा की ज्योति की ओर बढ़े। देवी और सज्जनों, इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने देश दुनिया में अपना और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। ऐसे महान भावों की सूची बहुत लंबी है जिनका हर किसी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोगों का उल्लेख करना हो तो भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री गोपाल दास नीरज, श्री कन्हैया लाल नंदा, प्रोफेसर एसएस कटियार, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, एडमिरल विष्णु भागवत और शिक्षाविद रेणु खाटोर जैसे पूर्व विद्यार्थियों के नाम लिए जा सकते। अजीत डोवाल जी के बारे में मैं नहीं जानता था कि वो कानपुर के, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कई बार उल्लेख किया, उनके साथ मेरा यहाँ आना भी हुआ था। अजीत डोवाल जी मुझे एक बार मिले, उन्होंने कहा कि सर मैं इसी विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र रहा हूँ, उस समय वही आगरा विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो मैं छात्र रहा हूँ, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ और प्रसन्नता भी हुई। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जहाँ से जिस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं उसी से मुझे भी ये शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जैसा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने भी उल्लेख किया कि वो कानपुर के बीएनएसडी कॉलेज से उन्होंने शिक्षा पाई थी, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मुझे भी उसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज भी जब मैं कभी शायद राष्ट्रपति बनने के बाद में केवल एक बार ही गुजरने का मौका, ये प्रोटोकॉल के लोग हैं ना, हमें बहुत परेशान करते हैं, अगर जाना भी हो तो नहीं जाने देते। तो जब मैंने इंसिस्ट किया कि भाई एक बार बीएनएसडी कॉलेज के सामने से होकर के तो निकल चलो, तो उस समय रामनायक जी थे, तो मैंने रामनायक जी को कहा कि रामनायक जी ये विद्यालय है जिसपे मैंने इंटर तक की परीक्षा की, तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई एक मिनट के लिए और देखने लगे कि हाँ ये ठीक है। तो लेकिन उस समय जब भी मैं गुजरता हूँ कानपुर के और भी स्थानों से तो वो विद्यार्थी जीवन भी याद आता है। डीएवी कॉलेज से वो जब भी वीआईपी रोड से निकलेंगे तो स्वाभाविक है वही रोड है उपलब्ध, इसलिए उस पर काफी कुछ उसको देखने का अवसर बार बार मिल जाता है। उस समय का शैक्षिक वातावरण भी याद आता है और अपने शिक्षक भी। मुझे खुशी है कि इसी वर्ष फरवरी में अपने 3 शिक्षकों से मिलने और उन्हें सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। देवी और सज्जनों, आज यहाँ उपस्थित पूर्व विद्यार्थी विश्वविद्यालय की बहुमूल्य श्रृंखला की मजबूत कड़ियां बैठी हैं। इस विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने का कार्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदी बहन पटेल और उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के योग्य मार्गदर्शन में चल रहा है। मुझे बताया गया है कि कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के नेतृत्व में विश्वविद्यालय को वर्ष 2018 के एक सर्वेक्षण में 17वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। मेरी शुभकामना है कि यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति करता रहे और लगभग 7 वर्ष बाद जब हम इस विश्वविद्यालय की स्थापना के 60 वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित होंगे तो विश्वविद्यालय का नाम पहली 10 रैंकिंग में शामिल।
इसी महीने की 23 और 24 तारीख को नई दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें उच्चतर शिक्षा पर अलग से एक विशेष सत्र रखा गया था। सम्मेलन के दौरान मैंने सभी राज्यपालों का आह्वान किया था कि चांसलर के रूप में विश्वविद्यालय के संरक्षक का दायित्व निभाते हुए उन्हें हमारी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को शोध व नवाचार का केंद्र बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उच्च शिक्षा पर गठित राज्यपालों के उप समूह की संयोजिका मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बहन पटेल ही थी। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भी देश को नॉलेज सुपर पावर बनाने का है। यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा संस्थाओं को जिज्ञासा, प्रयोग और कौशल का केंद्र बनाया जाए। देवियों और सज्जनों और विद्यार्थियों, अभी पिछले महीने ही राष्ट्रपति भवन में आईआईटी दिल्ली का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों के सहयोग से, जैसे आप सब लोग एकत्रित हुए हैं उसी प्रकार से पूर्व विद्यार्थियों के सहयोग से बनाए गए 250 करोड़ रुपए के इंडाउमेंट फंड का लोकार्पण करते हुए, जब मैं कर रहा था उस समय मैं सोच रहा था कि यदि सभी शैक्षिक संस्थाओं को इस प्रकार के फंड स्थापित करने का अवसर मिले तो शायद बहुत एक अच्छी पहल होगी। इस राशि का उपयोग निर्धन व मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने, संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने तथा उन्नत प्रौद्योगिकी व संसाधन जुटाने में किया जा सकता है। आइए इस विश्वविद्यालय में भी हम इस पहल को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और इसलिए मैं आज आप सबके समक्ष अपनी ओर से इस एंडाउमेंट फंड में 1,11,000 रुपए की राशि इस फंड में देता हूं और आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी इस कार्य में उदारता पूर्वक सहयोग करें। कृपया ये चेक चांसलर श्रीमती आनंदी बहन पटेल जी को सौंपे। ये बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन इस प्रकार के आयोजन पहले होते नहीं रहे, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजन, नीलमा जी यदि आप उचित समझें तो वर्ष में एक दिन एलुमनाई मीट करने का तय करें, 30 नवंबर हो या कोई भी तिथि हो, प्रत्येक वर्ष करें। और इसलिए नहीं, मात्र उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम आर्थिक सहयोग के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, बल्कि हम मिले अपने सुख दुख का एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। ना जाने कौन कहां पर है, किसी को नहीं पता है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा यदि आप एक सबकी एलुमनाई जो हैं उनकी एक लिस्ट जारी करें, कोशिश करें कि वो हों या उनके परिवार वाले हों उनके साथ एक संपर्क, क्योंकि विश्वविद्यालय हो, ये स्कूल हो, कॉलेज हो, ग्रामीण क्षेत्र में चाहे गांव का एक स्कूल हो जहां से आप निकल करके आए हैं, जीवन भर आपको उसकी यादें हमेशा याद रहेंगी, और उनमें जब कभी भी आपको याद आएगी तो आपको अपना प्राइमरी स्कूल भी याद आएगा, नर्सरी स्कूल भी आएगा, स्कूल भी याद आएगा, कॉलेज भी आएगा और विश्वविद्यालय भी आएगा। ये एक ऐसे मुकाम है जिंदगी में जिसको कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये इस प्रकार के वो मुकाम नहीं है जहां पर बदलाव आता है किसी प्रकार का। मैं चाहूंगा कि, लेकिन उसका उद्देश्य केवल आर्थिक संसाधन जुटाना नहीं है। आर्थिक संसाधनों के अतिरिक्त पूर्व विद्यार्थी अपना कुछ समय देकर वर्तमान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, उन्हें ज्ञान विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों से अवगत भी करा सकते हैं और शिक्षण कार्य में नए तौर तरीकों व नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग में सहायता कर सकते हैं। यह हम सबका कर्तव्य भी है और दायित्व भी। सही मायनों में शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा होगा
जब विकास सर्वांगीण हो और सभी वर्गों का हो। मुझे विश्वास है कि यहाँ के पूर्व विद्यार्थी और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य इस विश्वविद्यालय और कानपुर एवं देश के भविष्य को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। धन्यवाद।